नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र के यातायात एवं कच्चा माल विभाग द्वारा वैगन लोडिंग में कीर्तिमान स्थापित। सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा शिक्षक दिवस समारोह में रौरकेला के 96 वरिष्ठ शिक्षक सम्मानित। रौरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने शिक्षक दिवस समारोह में कहा, शिक्षक ही सच्चे नायक हैं जो हमारे भविष्य को गढ़ते हैं और तहे दिल से हमारे प्रशंसा के पात्र हैं। और सेल आरएसपी में रिडक्टेंट के रूप में प्लाज्मा हाइड्रोजन के साथ ग्रीन स्टील पर व्यावसायिक वार्ता आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र के यातायात एवं कच्चा माल विभाग ने वैगन लोडिंग में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। 4 सितंबर 2024 को TNRM कर्मी समूह ने 252 वैगनों में तैयार उत्पादों को लोड करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जो 31 अगस्त 2024 को स्थापित 248 वैगनों के पिछले सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड को पार कर गया। यह उत्कृष्ट प्रदर्शन परिचालन प्रक्रियाओं के अनुकूलन में टीम के समर्पण और दक्षता को रेखांकित करता है। उल्लेखनीय है कि सेल द्वारा भेजे जाने वाले सभी तैयार उत्पादों को पीपीसी विभाग द्वारा योजना के अनुसार विभिन्न मीलों में लीड लोड किया जाता है। यह सफलता एक सहयोगात्मक प्रयास रही है, जिसे TNRM ने दक्षिण पूर्व रेलवे, RSP के सभी मीलों, पीपीसी, RNC लैब और CMO के सहयोग से हासिल किया है। रौरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने 5 सितंबर को सिविक सेंटर में RSP की नगर सेवाएं शिक्षा इकाई द्वारा आयोजित रंगारंग शिक्षक दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, शिक्षक सच्चे नायक हैं जो हमारे भविष्य को गढ़ते हैं और तहे दिल से हमारे प्रशंसा के पात्र हैं। ये समारोह भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षक तथा दूरदर्शी लीडर भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया गया था। श्री भौमिक मुख्य अतिथि थे, जबकि पूर्व मुख्य वैज्ञानिक CSIR IIMT भुवनेश्वर के प्रोफेसर डॉक्टर राजकिशोर परम गुरु मुख्य वक्ता थे। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक वॉक CSR सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन सह अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री तरुण मिश्र सहित मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर जयंत आचार्य, मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं CSR श्री PK स्वाई, प्रधानाचार्य IVM डॉक्टर S त्रिपाठी, प्रधानाचार्य IEMS सेक्टर 20 सुश्री सुश्रीता दास, मुख्य महाप्रबंधक गण और RSP के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी और रौरकेला के बड़ी संख्या में शिक्षक और छात्र उपस्थित थे। मुख्य अतिथि ने अन्य अतिथियों के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित किया और इसके पश्चात भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर समारोह का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में श्री भौमिक ने देश की भावी पीढ़ी को आकार देने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। निदेशक प्रभारी ने कहा, प्रौद्योगिकी, सोशल मीडिया और संचार डिजिटल दुनिया में शिक्षक की भूमिका बदल रहे हैं। शिक्षकों और छात्रों को तदनुसार सक्षम बनाने की आवश्यकता है। डॉक्टर परम गुरु ने अपने संबोधन की शुरुआत गुरु वंदना से की और उसके अर्थ और महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने 1962 में प्रथम शिक्षक दिवस मनाने के अपने अनुभव को भी साझा किया। उन्होंने छात्रों को सलाह देते हुए और पूछताछ आधारित शिक्षण प्रणाली पर जोर देते हुए कहा, प्रश्न पूछने से कभी न डरें, क्योंकि प्रश्न पूछने से कई अनसुलझे रहस्यों का समाधान मिलता है, जैसे कि न्यूटन के साथ हुआ था। निदेशक प्रभारी ने डॉक्टर परम गुरु और रौरकेला के विभिन्न स्कूलों के 96 पूर्व शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को देश के भावी नागरिकों को तैयार करने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। श्री भौमिक ने रौरकेला के शीर्ष रैंकिंग वाले छात्रों को 32वें सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक प्रदर्शन पुरस्कार से भी सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 के छात्रों द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत गुरु वंदना से हुई, जिसने कार्यक्रम की लय स्थापित कर दी। इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 के कक्षा 11 के छात्र मास्टर प्रज्ञान प्ररंजन बारिक ने सभी का स्वागत किया, जबकि इस्पात विद्या मंदिर सेक्टर 19 की सुश्री संचिता पाणिग्राही ने अतिथियों का परिचय कराया।
इस्पात विद्या मंदिर की सुश्री सुभस्मिता ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 के मास्टर मोहित पंडा ने कार्यक्रम का मंच संचालन किया। कार्यक्रम का समापन इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल और इस्पात विद्या मंदिर के छात्रों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ। बिगनर्स अकादमी में भी शिक्षक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में बिगनर्स अकादमी के साथ साथ दीपिका इस्पात शिक्षा सदन के छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। दीपिका महिला संगति की अध्यक्ष श्रीमती सीमा देव भौमिक समारोह की मुख्य अतिथि थी और उन्होंने दोनों संस्थानों के शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर डीएमएस के दोनों उपाध्यक्षाएं श्रीमती हर्षला सूर्यवंशी और श्रीमती नम्रता वर्मा, महाप्रबंधक ज्ञान संचार एवं संचार मुख्य सुश्री अर्चना सतपथी, सहायक महाप्रबंधक सीएसआर टीबी टोपो, सचिव डीएमएस निधि सिंघल और डीएमएस के अन्य शासी निकाय के सदस्य उपस्थित थे। दीपिका महिला संगति द्वारा संचालित दोनों स्कूलों के छात्रों द्वारा एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में शिक्षक दिवस पर बिगनर्स अकादमी की केजी 1 और 2 के नन्हे मुन्ने बच्चों की वाक पटुता ने सबका मन मोह लिया। सेल रोलकरा इस्पात संयंत्र के ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में 4 सितंबर 2024 को रिडक्टेंट के रूप में प्लाज्मा हाइड्रोजन के साथ ग्रीन स्टील पर एक व्यवसायिक वार्ता आयोजित की गई। मुख्य महाप्रबंधक इस्पात श्री विश्वरंजन पल्लई ने सत्र की अध्यक्षता की। पूर्व मुख्य वैज्ञानिक CSIR IIMT भुवनेश्वर डॉक्टर आर के परम गुरु अतिथि वक्ता थे। इस वार्ता में ग्रीन स्टील के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया और लोहा को और इस्पात बनाने के साथ साथ अन्य धातुओं को मिश्रित धातुओं के उत्पादन में कार्बन के लिए एक स्थायी प्रतिस्थापन के रूप में हाइड्रोजन प्लाज्मा की क्षमता पर प्रकाश डाला गया। IIMT में भारत सरकार डॉक्टर परम गुरु ने इस्पात विभाग द्वारा प्रायोजित परियोजना के तहत विकसित की जा रही अभिनव प्रक्रिया पर चर्चा की। इस प्रक्रिया का उद्देश्य हाइड्रोजन प्लाज्मा का उपयोग करके लोहे को कम करना है, जो पारंपरिक तरीकों के एक स्वच्छ और अधिक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान करता है। कार्यक्रम के प्रारंभ में महाप्रबंधक HR L&D श्री HN पति ने सभी का स्वागत किया, जबकि वरिष्ठ प्रबंधक HR L&D सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित प्रस्तुत किया। सहायक महाप्रबंधक HR L&D श्री संपत मिश्र ने समारोह का संचालन किया। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।